वेल गाइस, बात करने वाले हैं मोस्ट ट्रेंडिंग जींस के बारे में, जो कि यहां पर मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। ये मोस्ट ट्रेंडिंग जींस हैं, जो कि दोस्तों मार्केट में अभी काफी बड़ा ट्रेंड है इन जींस का। तो दोस्तों ये मैंने परचेज करी हैं और इनकी लुकिंग, क्वालिटी और प्राइस के बारे में बात करेंगे, और क्या आपको ये ट्रेंडी जींस परचेज करने चाहिए या फिर नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले जींस के बारे में, जो कि आती है दोस्तों रॉयल ब्लैक कलर के अंदर आने वाली है जींस है। तो फटाफट से इसको अनफोल्ड करते हैं। फ्रंट में देखेंगे तो कुछ इस तरह की लुकिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोनों साइड में डी पॉकेट देखने को मिलेंगे, उसके साथ दोस्तों एक नैनो पॉकेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मेटेलिक बटन देखने को मिलेगा, जो कि इस लुक को, इस पॉकेट के लुक को काफी ज्यादा एनहेंस करता है। और दोस्तों वो दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मेटेलिक बटन देखने को मिलता है, मेटेलिक जिप देखने को मिलती है। अगर दोस्तों बैक साइड में देखेंगे तो आपको आउटर पॉकेट दोनों साइड में देखने को मिलेगी, और यहाँ पर इस ब्रांड की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों यूएस अपोलो एशियन यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों अगर दोस्तों इसकी लुकिंग देखेंगे तो यहाँ पर लुकिंग आपको दिख रही होगी, और दोस्तों ये एक स्ट्रेट फिट यहाँ पर जींस है, जो कि इसकी लुकिंग और क्वालिटी मेरे को आउटस्टैंडिंग यहां पर देखने को मिली है। और दोस्तों इस जींस को मार्केट में स्ट्रेट फिट जींस पे वेयर करके दिखाई देगा, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा ट्रेंड है। और दोस्तों लुकिंग के मामले में यहां पर आपने देख ही होगा कि वेयर करने के बाद इसकी लुकिंग कैसी देखने को मिलती है। बट अगर बात करें इसकी क्वालिटी के बारे में, तो दोस्तों डेनियम प्लस लाइक्रा इसमें यूज किया गया है, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, और वेयर करने के बाद दोस्तों काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। कोई भी आपको स्वेटिंग वगैरह नहीं देखने को मिलती है इस जींस को वेयर करने के बाद। तो दोस्तों इसकी क्वालिटी, इसकी लुकिंग और इसकी जो प्राइसिंग है वो भी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसको मैं 5 में से 5 देना पसंद करूंगा। अगर इसको रेटिंग किया जाए तो डेफिनेटली काफी अच्छी यहाँ पर ये जींस देखने को मिलती है। प्राइसिंग की बात वीडियो के एंड में करेंगे कि इसकी क्या प्राइस देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जींस के बारे में। यहाँ पर मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों एक हाईलैंडर की जींस, जो कि दोस्तों यहाँ पर ये आप नेवी ब्लू कलर के अंदर देख सकते हैं, जो कि डार्क नेवी ब्लू कलर है और काफी अच्छा कलर यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों फ्रंट में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे दोनों साइड में डी पॉकेट देखने को मिलता है, एक नैनो पॉकेट देखने को मिलता है, मेटेलिक बटन, मेटेलिक जिप देखने को मिलती है। बैक साइड में अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों साइड में पॉकेट देखने को मिलते हैं, आउटर पॉकेट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे ब्राउन कलर की स्टिचिंग की गई है, जो कि दोस्तों इसके लुक को काफी ज्यादा एनहेंस करता है, और दोस्तों काफी गजब की लुकिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ये भी दोस्तों एक पूरी यहाँ पर बेल बॉटम जैसी जींस है, यानी कि दोस्तों पूरी स्ट्रेट फिट जींस है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी लुकिंग के साथ आने वाले जींस हैं। और दोस्तों इसको भी वेयर करोगे तो लुक काफी ज्यादा एनहेंस करेगा, क्योंकि इसके बाद दोस्तों इसको ब्लैक के साथ या फिर डार्क ब्लू, नेवी ब्लू के साथ अगर आप इसको वेयर करते हो तो लुक काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसकी लुकिंग भी मेरे को काफी अच्छी लगी, और यहाँ पर वेयर करने के बाद लुकिंग कैसी देखने को मिली वो भी आपने देख लिया है। अगर दोस्तों बात करें इसके मटेरियल के बारे में, तो दोस्तों इसमें भी आपको डेनियम प्लस लाइक्रा दोनों यूज किया गया है, स्ट्रेचेबल है और काफी ज्यादा वेयर करने के बाद कंफर्टेबल भी है देखने को मिलती है। मैंने पर्सनली इसको वेयर करके देखा है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल और काफी अच्छी लुकिंग के साथ आने वाली है जींस है। तो डेफिनेटली ये भी मैं अगर इसको रेट करूँ 5 में से तो 5 इसको रिव्यू करूंगा मैं, डेफिनेटली आप ये भी परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जींस के बारे में, जो कि दोस्तों यहाँ पर मेरे हाथ में देख सकते हैं नेवी ब्लू कलर के अंदर ये भी जींस आने वाली है। और दोस्तों ये भी एक स्ट्रेट फिट जींस है, जिसकी लुकिंग काफी अच्छी है, वेयर करने के बाद लुक आपको बता ही दूंगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि वेयर करने के बाद लुकिंग कैसे देखने को मिलती है। अगर फ्रंट में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको वी पॉकेट देखने को मिलेंगे, दोनों तरफ आपको वी पॉकेट देखने को मिलेंगे, वी पॉकेट के साथ भी आपको नैनो पॉकेट भी देखने को मिलता है, उसके बाद मेटेलिक बटन, उसके बाद यहाँ पर मेटेलिक जिप भी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों बैक साइड में बात करेंगे तो दोनों साइड में आपको पॉकेट देखने को मिलेंगे, जो कि आउटर पॉकेट ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो स्टिचिंग की गई है नेवी ब्लू के ऊपर व्हाइट कलर के धागे के साथ, वो स्टिचिंग आपको एक अलग ही लुक और आपको एक अट्रैक्टिव लुक देगा, जो कि दोस्तों वेयर करने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर लुकिंग में आप देख ही रहेंगे कि वेयर करने के बाद कैसी लुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट दोस्तों अगर बात करें इसकी ब्रांड की, तो ये दोस्तों ये ब्रांड है फ्लिपकार्ट का कोटी ब्रांड, जो कि दोस्तों यहाँ पर भी ब्रांडिंग की गई है कोटी की। तो दोस्तों काफी अच्छी लुकिंग के साथ आने वाला ये भी ब्रांड यहाँ पर देखने को मिलता है। लुकिंग यहाँ पर देखिए, अभी बात कर लेते हैं इसके क्वालिटी के बारे में। इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो सेम आपको
डेनियम प्लस लाइक्रा यूज किया गया है, वेयर करने के बाद काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और काफी अच्छी लुकिंग के अंदर भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों अभी मार्केट के अंदर ट्रेंड है स्ट्रेट फिट जींस का, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेट फिट जींस परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन तीनों में से कोई भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर बात करें तीनों ही जींसों की प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर ये कोटी की जो जींस है ये भी अंडर 500 रुपीज के अंदर मैंने परचेज करी है। और दोस्तों ये कोई ब्रांड यूएस पोले का नहीं है, ये मैंने बाहर से परचेज करी है मार्केट से, तो डेफिनेटली ये मैंने अंडर 500 रुपीज के अंदर ही परचेज करी थी। इसकी भी लुकिंग काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों ये हाईलैंडर की हैं, ये काफी ज्यादा लूज और काफी ज्यादा कंफर्टेबल और काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है। एक अलग ही वाइब देगी ये वेयर करने के बाद, आपको लुक भी अलग आएगा और आपको एक अलग ही वाइब देगी ये जींस डेफिनेटली। ये हाईलैंडर की है, ये भी मैंने अंडर 500 रुपीज के अंदर परचेज करी है। ये मैंने मिंत्रा से परचेज करी है, ये मैंने मार्केट से परचेज करी और ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज करी। तो डेफिनेटली इन तीनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि अंडर 500 रुपीज के अंदर आने वाली जींस हैं और दोस्तों डेफिनेटली आपको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों ऐसे ही क्लॉथ से रिगार्डिंग वीडियोस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।